I'll quickly. That's all right. Wait, sir. We do which one? यहाँ पे राधिका मैम बहुत मज़ा आया. आई थिंक द क्राउड वॉज अमेजिंग एंड काफ़ी मज़ा आया उनसे बात करके. सेशन में यही था कि इट वॉज द टॉपिक वॉज हाउ टू मेक अ मार्क विदाउट अ फेमस सरनेम. सो आई डोंट फील दैट यू नो आई मेड अ मार्क येट, बट डेफिनेटली आई वुड वॉन्ट टू बी ऑन दैट पाथ. एंड यू नो काफ़ी मज़ा आया बात करके एक्टिंग के बारे में एंड कैसे आपकी सबकी जर्नी रही है, गुलशन की थी, आप जिम की, सबकी स्टोरी सुनी, सबसे इतना सीखने को मिला. सो बहुत मज़ा आया, बहुत एक्साइटिंग है. आई थिंक इट्स द 9th सीज़न एंड इट्स ग्रोइंग विद एवरी सीज़न एंड रियली वी लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर स्टफ लाइक दिस. बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है एंड आई एम श्योर इट डू रियली वेल. जी मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि एक आर्टिस्ट एक स्टार तभी बनता है जब फैंस से प्यार मिलता है. सो आई एम रियली थैंकफुल आपने मुझे जितना भी सराहा है, जितना भी प्यार दिया है, अभी तक जहाँ तक पहुँचाया. आई थिंक आई एम ऑल बिकॉज ऑफ देयर लव. अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया होता तो मैं यहाँ तक खड़ी भी नहीं होती. जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज इरफान सर है, करीना है एंड सो मैनी मोर पीपल. सो आई थिंक इट्स अ प्रोजेक्ट विच इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट एंड मैं आपको जल्द से जल्द कुछ दिखाना चाहती हूँ, बी टीज़र और ट्रेलर एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सून आई होप सून कुछ आ जाए. आई थिंक प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में. बट आई मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट है एंड आई होप जितना हमें काम करने में मज़ा आया है उतना ही आपको देखने में मज़ा आएगा. सेशन काफ़ी एंजॉय तो बहुत कुछ किया हमने क्योंकि जिम साहब लेट भी आया था तो काफ़ी मज़ेदार था. आई थिंक हम सब काफ़ी मेरे लिए एक रियूनियन था क्योंकि कीर्ति के साथ भी मैंने काम किया हुआ है, राधिका के साथ भी, जिम के साथ भी मैंने किया हुआ है, तो एक छोटा सा रियूनियन भी हो गया. और अच्छे सवाल पूछ रहे थे अंकुर फाटक साहब और आई थिंक थोड़ा सा और समय मिल जाता टू इंटरेक्ट विद द ऑडियंस. आई थिंक समय की थोड़ी कमी पड़ गई
बट आई थिंक थोड़ा सा एक 5-10 मिनट और मिल गया होता तो आई थिंक थोड़े इंटरेस्टिंग सवाल, काफ़ी सारे लोग सवाल पूछना चाहते थे, तो होपफुली वो लोग वो सोशल मीडिया और समथिंग लाइक हमको मैसेज करेंगे, वो सवाल करेंगे, करो सवाल, यही कर रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ। माई बेस्ट विशेज टू देम, वो बहुत सही चीज़ कर रहे हैं, लोगों को सिनेमा से जोड़ रहे हैं और लोग सिनेमा के बारे में और इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी जो लेना चाहते हैं वो आएंगे, हम जैसे लोगों के साथ मिल सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं और बहुत कुछ सीखने को है। हमारे लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू इंटरेक्ट विद पीपल, बिकॉज हम भी कुछ नया नया सीखते हैं यहाँ पर आके। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर, हालाँकि ये 9th सीज़न है। आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छा है, माहौल भी काफ़ी अच्छा है। हाँ, आज थोड़ी धूप ज़्यादा है, बट देन अदरवाइज आई थिंक इट्स अ गुड फेस्टिवल एटमॉस्फेयर। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इन्होंने जोर दिया है, बोल सकते हैं सिनेमा जिंदाबाद, लेकिन अभी है, अभी माहौल बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, तो उसके हिसाब से हमको भी थोड़ा सा अपने आप को बदलना पड़ेगा। ज़्यादातर मैं सिनेमा में ही काम करना पसंद करता हूँ, जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, जो हॉल में बैठ के देखते हैं आप किसी चीज़ को महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, दुखी महसूस होते हैं, ऐसे अनजान लोगों के बीच में बैठ के करते हैं, सो दैट इज़ अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस। सो एक है कि वी माइट लूज दैट स्पेशल एक्सपीरियंस, दैट कम्युनिटी एक्सपीरियंस, लेकिन कॉन्टेंट को जितना सपोर्ट मिल रहा है OTT प्लेटफॉर्म से, उतना सिनेमा से नहीं मिल रहा था, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सिनेमा सीखेगा OTT प्लेटफॉर्म से और अपने आप को थोड़ा बदलेगा, और हम देख भी रहे हैं कि कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म, जब लोग आजकल फिल्में और बड़े बड़े स्टार्स भी कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म बना रहे हैं, अक्षय कुमार ले लीजिए, उनकी जो पुरानी टाइप की फिल्में बहुत कम बनती हैं, लेकिन कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में ज़्यादा बना रहे हैं, और आजकल के उभरते सितारे मेल स्टार्स या फीमेल स्टार्स बन रहे हैं, नए नए स्टार सितारे बन रहे हैं, बिकॉज वो कंटेंट को पेश कर रहे हैं और ऑडियंस कंटेंट को देख के, ट्रेलर को देख के फिल्में देखना अब ज़्यादा पसंद कर रही है आजकल। आपकी भी कमांड दिख रही आ रही है जी, क्या कहने चाहिए, एक्साइटेड तो हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्या इस बार तो मैं थोड़ा मतलब अंधेरे में हूँ, तो क्या एक्सपेक्ट करना है ये मुझे पता नहीं है श्री सावन, तो उम्मीद करता हूँ कि लोगों को मेरा काम पसंद आएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, और विद्युत के साथ भी मैं काम कर रहा हूँ पहली बार, विद्युत बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, तो हम दोनों की जोड़ी और प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट की जोड़ी कैसी रहेगी और ऑडियंस उसके बारे में क्या सोचेंगे, इसके बारे में मैं भी काफ़ी उत्सुक हूँ जानने के लिए, तो आई डोंट नो, फिंगर्स क्रॉस्ड, लेकिन आई डोंट नो। किस किस के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहोगे इस बार, तो मतलब बार्ड ऑफ ब्लड मिशन मंगल, थैंक यू सो मच यार, बहुत ही बेहतर, ये मेरा पहली बार है कि मैं इसका हिस्सा बनी हूँ, और मुझे तो आई मीन समटाइम्स आपको पता भी नहीं चलता कि क्या क्या चल रहा है यू नो फिल्मों को लेकर, और तो मुझे तो बहुत मज़ा आया टू बी बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल द प्रोजेक्ट, एंड बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, आई थिंक ये 9th ईयर है इसका, राइट, सो आई लव द फैक्ट, आई मीन आई लव द इंडस्ट्री, आई लव फिल्म एंड आई लव एवरीथिंग, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑफर करते हैं नए टैलेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी, मैं तो आई एम ऑल फॉर देम, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू जस्ट ब्रिंग इन टैलेंट टू द इंडस्ट्री एंड गिव देम अ चांस मैन। यार सीखने को तो मतलब जब थोड़े से आंसर शॉर्ट रखो, ये मैंने सीखा कि ज़्यादा बातें मत करो, थोड़े से कम रखा जिम सर से, हाँ बिल्कुल एकदम, और एंट्री कैसे मारनी है वो सीखा मैंने जिम सर से, लेट एंट्री जो मारते हैं, और नो बट इट्स वंडरफुल यार, आई लव द ऑडियंस, जो ये ऐसी ऑडियंस, जब हम वहाँ गए तो ऐसा फील हुआ कि ये ऐसी ऑडियंस है जो मैं हूँ, गुलशन है, जिम है, राधिका है, हम जैसे लोगों को सुनना चाहती है, एंड आई थिंक दे आर रियली देयर बिकॉज दे रियली वॉन्ट टू
share, you know, listen to what we have to say and learn from us, and I think that's a great feeling. So yeah. जी यार OTT is a great boon. अभी पिछले दो साल से काफ़ी कुछ हो रहा है OTT में और काफ़ी बड़े बड़े players enter कर रहे हैं. तो personally क्योंकि मैं दो शोज का हिस्सा रह चुकी हूँ, FOMO Shots एंड Bad of Blood, तो मुझे पर्सनली तो बहुत ही मज़ा आता है OTT में काम करने में. एक आई थिंक नॉट जस्ट एक्टर्स बट राइटर्स, डायरेक्टर्स, फिल्म, यू नो, एक्टर्स, एवरीबडी हैज़ so much time and space to really say the story that they want to say, and it's a iski reach itni itni countries mein hai. I think Netflix and Amazon, Netflix is 190 countries and Amazon is just behind it. To aapka jo kaam hai wo puri duniya mein pahunch raha hai, and I think it's a, and there's no censorship, which is great, which I personally love. So it's a great great thing happening in the country. Bahut alag kuch dikhe ji. मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी बिकॉज इट्स अ थ्रिलर एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया एंड जैसा आपने कहा, एक बहुत ही अलग किरदार में मुझे देखने को मिलेगा. और जस्ट वेट एंड वॉच. थैंक यू. बहुत अच्छा रहा. देर वॉज सच अमेजिंग एनर्जी इन दैट हॉल एंड सम ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर, बडिंग फिल्म मेकर्स, बडिंग एक्टर्स, बडिंग राइटर्स, एंड इट वॉज ग्रेट. आई थिंक जैनिस, शी इज़ बीन अ फ्रेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, एंड शी अंडरस्टुड द फिल्म, शी अंडरस्टुड द ट्रेलर, शी गॉट द व्हाट वी वर ट्राइंग टू से. सो आई थिंक इट वॉज वेरी इंटरैक्टिव एंड आई एम वेरी हैप्पी टू जस्ट सी सो मच ऑफ लव कमिंग आउट. आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. इट्स द 9th सीजन दिस टाइम. And Mikhail, our director from Made in China, he is the prodigy. He started, he was there on the first season here, and he made his first film here. So I think you can just see where it can take you. So all the very best to all the budding filmmakers out there. And this time there are 35,000 people participating, which is huge.
बहुत एक्साइटेड हैं एक बहुत अच्छी फिल्म बनी है. वी ऑल आर रियली प्राउड ऑफ द फिल्म. इट्स वेरी एंटरटेनिंग. इट्स अ ग्रेट कॉमेडी, ग्रेट बैलेंस ऑफ अ ग्रेट स्टोरी एंड लॉट ऑफ ह्यूमर. सो नाउ वी आर जस्ट कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड होपिंग फॉर द बेस्ट. Well, I think it's a huge honor. I think I respect both these actors, Ranveer and Ranveer. They both are friends, and I'm very inspired by their work, and they're fab in what they do. And people, if you know, take my name in the same breath, so I think it's something that I just makes me work harder. Yeah. There were a lot of actors, and they wanted to know the process that, you know, what should be done. Like, बहुत लोग बोलते हैं body बनाएं, gym जाएं. So I was just trying to tell them that times have changed. It's not about muscles and bodybuilding. It's about your work, it's about your craft. Okay, thank you. Bye, bahut papad de le humne iske liye. बोला थैंक यू. वी ऑल लीव ऑन.